आया हूं ताकि हम कुछ गपशप कर लें। मैंने अपनी तमाम बातें आपके मोहब्बतों के समंदर में कर ली है। मैं मानता हूं, मैंने खुद पर थोड़ा काबू नहीं रखा। थोड़ा सा काबू नहीं रखा था? तुम्हारे इंसाफ का शुक्रिया, तुमने तो बुरे भले जुमले कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी मेरी जारिया के सामने। हाय तुम गूंगे हो जाओ मुख्तार, आशिक को माशूक के सामने हकीर करना मौत से बदतर सजा है। अब जब तुम रो रहे हो इसका मतलब है कि अभी कुछ गैरत बाकी है तुम में। इसका मतलब है हम दो मर्दों की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो उमर, मैं आज रात तुम्हारे तमाम तर उन कत्ल गारत के जुर्म जो तुमने आज तक किए हैं तुम्हारी मौत का सामान कर दूं और तुम्हारा मलकुल मौत बन जाऊं। और यह भी कर सकता हूं कि हाकिम मदाइन के पास जाऊं और उसे कहूं कि तुमने इस काल कोठरी में अपने सियाह और परीद चेहरे के आईने में अपने आमाल को देखा है और अस्तगफार कर लिया है और अपने छोटे बड़े गुनाह का इकरार करके एक आसमानी मार्फत की तरफ बढ़ गए हो, वगैरह 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 वगैरह। अब मर्जी तुम्हारी है, क्या करूं? सब्र करने वालों जैसा चेहरा बनाकर मत दिखाओ मुख्तार, मुझसे क्या चाहते हो? किस नियत से सफेद महल आए हो और कैसे आए? मेरे हाथ पांव खोलो ताकि आराम से बात कर सके। तुम्हारे हाथों पैरों में जंजीर डाली गई है, जबान में नहीं। अगर मैं बात ही ना करूं तो मंसूर नालबंद के बेटे को तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा कैद कर दूंगा और गोरकन से कह दूंगा कि यहाँ एक हसीन सी कब्र बना दे, कैसा रहेगा? ये मंसूर नालबंद कौन है? मुल्ज़िम हमेशा भूल जाया करते हैं। आखिर तुमने इतने बेशुमार जुल्म किए हैं कि तुम्हें वाकई याद नहीं आना चाहिए। मंसूर नालबंद का बेटा उस अगवा शुदा मंसूर नालबंद की बेटी का भाई है जिस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सका तो तुम्हारे गंदम के अंबार को आग लगा दी। वो इस वक्त जमीनों को आग लगाने के जुर्म में जिंदान में पड़ा हुआ है, मगर उसके दिल का दाग अभी तक बिल्कुल ताजा का ताजा है और खुदा खुदा करता है कि एक लम्हे के लिए उसे उम्र साथ की ज्यारत हो जाए। मेरा ख्याल तुम समझ गए हो, मंसूर नालबंद का बेटा तुम्हें मार डालेगा और बड़े फखर और गुरूर के साथ तुम्हारे कत्ल को अपने सर पर ले लेगा और पिसर सादे अबी वकास सरदार फातह ईरान का बेटा एक नामूस के इल्जाम में दार फानी को विदा कर देगा और फातहा। बोलो क्या राय है तुम्हारी? क्या चालाक इंसान हो। बहुत खूब, तुम जीत गए। मुआविया हक रखता है कि तुमसे और तुम्हारे चाचा से डरे। तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत उसका काम दुश्वार कर रही है। यकीनन उसने तुम्हें भेजा है ताकि तुम उसके दुश्वार काम को आसान करो। ये एक अहमकाना तहमत है, मेरे कुछ इरादे थे मगर मैं मुआविया का भेजा हुआ नहीं था। नहीं, बज़ाहिर तुम्हें प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती। तुम्हारा इकरार करना मेरे चाचा के लिए तो फायदेमंद हो सकता है जो एक पुराने सियासतदान है, मगर मेरे लिए सिर्फ वक्त जाया करने की बात है। बहुत मुनासिब मौका है मेरे लिए ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी मज़ाहमतकारियों से जान छूट जाए। मैं मुआविया का भेजा हुआ था, सफेद महल में आया था ताकि अली के बेटे को कत्ल कर दूं। अब सही है, तुम्हें यही चाहिए था ना? ये एक मुजहका खैज इकरार है कि तुम अकेले महल में आए हो ताकि अली के बेटे को, जो कि एक फौज के हिसार और हिफाजत में है, कत्ल कर दो। कोई पागल ही होगा जो इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला होगा। खुदा की लानत हो शैतान पर। शैतान पर क्यों? तुम पर, जिसने बेचारे शैतान के भी हाथ बांध दिए। मुख्तार,
मैं मुआविया की तरफ से महल नहीं भेजा गया। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ मंसूर नालबंद के बेटे से जो बात करनी है करो। मैं सफेद महल में आया ताकि सफेद महल के कालब यानी तुम्हें यानी सरफिरे मुख्तार को राजी करूं, जो इराक की बादशाही का ख्वाब लिए हुए है, उसे समझाऊं कि अपना हाथ अली के बेटे के फटे हुए दामन से हटा ले और ये फुर्सत हाथ से ना जाने दे। मुआविया ने अपनी बेटी का अली के बेटे के बदले में वादा किया है मुख्तार, मुआविया का दामाद बनना यानी इराक की बादशाही, मगर तुमने इन सब हंसी मजाक और फजूलियात से सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस रिश्ते से तुम्हें क्या फायदा होगा? बहुत सी चीजें, सबसे छोटी चीज जारिया है। अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार, खुदा की कसम तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा है। मुआविया मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। इराकियों ने मैदान खाली कर दिया है। मैं तो जानता हूं कि बचपन से ही तुम्हारे मीठे ख्वाबों में से एक इराक की बादशाहत थी। कब तक अपने आप को जमीन, भेड़ों और खेती बाड़ी से जोड़कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो, अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले कि कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। हम तो उसे कत्ल नहीं कर रहे, मुआविया भी उसे नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रंगेगा। और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमान नामा ले सकता हूं। मुंह बंद कर। इसी वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूं। तुम हमेशा खुद को अकले कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी? हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो। कैसे काली रात है, हर तरफ से चीखो पुकार की आवाजें सुन रही हूँ। मुझे डर है नारिया, कहीं उम्र सजा को बर्दाश्त ना कर पाए और सारे राज खोल दे। किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितना कर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ हाय खुदाया, उसे पता चल जाए कि हमने कौन सी साजिश की है तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो हाल करेगा कि हमने सोचा भी ना हो। कौन सी साजिश जारिया, क्यों इतनी खौफजदा हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो कि मुझे भी डर लग रहा है। कुछ तो बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और उमर के दरमियान है और मैं बेखबर हूँ? हरगिज नहीं। कौन सा राज नारिया? जो कुछ था तुम जानती हो। इतनी परेशान क्यों हो? तुमने नहीं देखा कि उमर पे तोहमत लगाई गई है कि वो मुआविया का भेजा हुआ है और यहाँ जासूसी के लिए आया है? कबूल किया है तो फिर हमें इसे क्या? किसने उसे सफेद महल आने के लिए मदद की? नारिया ने, मेरी प्यारी भाभी ने, मुख्तार की नाजनी बीवी ने? तुमने अपने गुलामों के लिबास में उसे महल के अंदर आने में मदद की है। मेरे दामन को गंदा मत करो आसिम की साहब, मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि उमर जासूसी के लिए आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारी तलब में आ रहा है। खुदा मेरे ताले को जला दे, मैं सवाब कमाना चाहती थी, खुद कबाब हो गई। अब कौन सी खाक उड़ाऊ सर पे? वाकई ये तो हारून है, नालबंद का बेटा। बहुत खूब जनाब हारून इब्न मंसूर, आप पिसरे साथ को मारना चाहते थे ना? जनाबे वाला, आधी रात को मुझे जगाकर तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हमने सुना था कि मदाइन का हाकिम ऐसा आदिल हुक्मरा है कि जो सलमान फारसी की तरह हुकूमत करता है, उसके लिए भेड़ और गाय दोनों बराबर हैं, किसी मजलूम का हक पामाल नहीं होता। बिला मुबालगा बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तो फिर क्यों रात के इस पहर मुझ पर जफा कर रहे हो? अगर मेरा जवाब दे दो तो इस बेवक्त की मुजाहमत का सबब जान जाओगे। मैं उमर साद को मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मेरी उमर का एक दिन भी बाकी रह जाए तो मैं ये काम करूंगा, उसकी औकात 2 कौड़ी की कर दूंगा। उसके बाद मेरी सजा में अदालत जो भी हुक्म कर दे परवाह नहीं। मुझे कोई खौफ नहीं कि फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। शायद कल रात तुम्हारा अरमान पूरा हो जाए। कसम से। शायद दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना।
मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो। क्या फरमाया आपने? दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी, मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से देख रहा था। मुख्तार, मुख्तार मेरी जान, तुम होश और अकलमंदी में सबसे अफजल हो, आलिम और जिनों इनसे बढ़तर हो। मुझे मुझे क्या इकरार करना होगा? कैसे और किसकी मदद से महल में दाखिल हुए? सलीमा पूरा को जानते हो? वही अदाओं से दिल लुभाने वाली, हमारे बचपन जवानी और सारे बलूक के दौर की। इस महल में दाखिल होना उसके पास जाने से ज्यादा आसान तर है। तुम्हारी कुछ कसम खाए हुए साथी हैं जो इस महल में हैं, मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इश्क से बेवफाई करे? अगर तुम्हें बेच दे मतलब उसने मुझे बेच दिया है। जिस मुख्तार को मैं जानती हूँ वो पत्थर का भी मुंह खुलवा देता है। काश हमने उस बदकदम ईरान की तोहिन ना की होती, काश हमने उससे मेहरबानी की होती। कयान से बसलूकी ने मुख्तार को आशफ्ता कर दिया। मुख्तार गुस्से में नहीं आता तो उम्र से भी मामला खराब नहीं होता। बात घुमा दो, कह दो कि गुलाम के लिबास को चुरा लिया है, कह दो कि गुलाम को खरीद लिया है। मैं कैसे बात को घुमा दूं अगर उमर इकरार कर ले? कह दो उमर बकवास कर रहा है। कहो कि उमर ने अपने इश्क को मुख्तार का असीर पाया, तो उसने चाहा होगा कि किसी साजिश के तहत मुख्तार के इश्क को फंसा दे। मुख्तार तुम्हारा आशिक है, वो यकीन भी कर लेगा। अगर हमने उसके गुरूर को जख्मी किया होगा तो वो अपने इश्क का सर कलम कर देगा। तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े की मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सको। सफेद महल के तमाम खुदाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ ग्रोह जो अली के बेटे के मुहाफिज है। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूँ। एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाज़ो अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरण जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करे, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक के दरबान ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलीलों सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी सिर्फ तो जैसे बगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिनते साहब, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुरखाब के पर नजर नहीं आ रहे। रकासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमा पूरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनस्पत ये के बनी उमैया की आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारे ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखें तोड़कर परवास कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार करूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दो फादर सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है,
लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस ग्रोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं, और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग ग्रोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तर बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार? मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हमअकीदा हो। अपने बीमार दिल की नियतों को मुझसे निस्बत मत दो। मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूँ। किताब खाने और जंग की मशक भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने। तुम्हारा गुरूर और जाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरजुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे, इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूं। कहां जा रहे हो चचाजाद भाई? कम अज कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार अबू बेद सखफी के बेटे फातिहा। उसने दरवाजे को लात नहीं मारी। तुमने देखा नारिया, उमर के मुंह में ऐसा कुफल लगा हुआ है जिसकी चाबी जारिया की निगाहों का जादू है। मुख्तार। हाँ। खाना नहीं खाओगे? रात को तुम लोगों के हाथ का पका हुआ काफी हद तक खा। क्या तुम जारिया से नाराज हो? जारिया आज रात से एक अजनबी है इस घर में। रात की आन के साथ उसका बर्ताव मेरे साथ रिश्तेदारी से इनकार है। जारिया भी एक बच्ची है मुख्तार। नारिया, अब मैं हर केस उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से भी नहीं। जरबी कहाँ है? मुर्गियों के पिंजरे के पास है, सो गया होगा। उसे जगा दो, मैं थका हुआ हूँ, कुछ मालिश करवाना चाहता हूँ। मैंने मन्नत मानी है कि अगर आज की रात बखैर खूबी गुजर जाए तो एक दुम्बा कुर्बान करूंगी। बकवास। बड़ी उछल रही हो पर कटी मुर्गी, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुख्तार ने तुम्हें खामोश जुबान के साथ भी तुम्हें तुम्हारा मकसद दिलाया। आज रात से तुम अपनी उम्र जान के ख्याल सजा सकती हो। उमर को आजाद कर देगा? शायद। मुख्तार उस वक्त थका हुआ होता है जो वो किसी मैदान से हारा हुआ आता है। गलती नहीं कर रही तो बाजी उमर जीत चुका है। तुम शेर और चीते के शिकारी हो। इस मुट्ठी भर गिद्धों की जमात की मिसाल ऐसी है कि जब तक किसी गधे की आवाज ना आए ये लोग शोर करते रहते हैं। खुदा की खुदाई की कसम, ऐसे ही कुछ गीदड़ों की आवाज ने शब की तारीकी में इमाम मुश्तबा अली शेर खुदा के फर्जन को जमीन बोस कर दिया। तुम भी जाओगे तो जख्मी हो जाओगे। तुम्हारे जिस्म पर जख्म ना लगा सके तो दिल पर जख्म लगा देंगे ये लोग। रात को जब तुम्हारी और उमर की लड़ाई हुई तो मैं बानो के हुक्म पर चचा को बुलाने गया तो वहां मैंने जनाब कमर को देखा। जानते हो किस गमगीन दिल के साथ इमाम मुज्तबा से बातें कर रहे थे और रो रहे थे। मेरा दिल चाहा कि उनके पास बैठ जाऊं और जी भर के रो। कंबर? कौन सा कंबर? कंबर गुलाम अली।
अंबर मदान में क्या कर रहे हैं? बानो के साथ आए हैं। जादा? जी, इमाम हसन की जोजा। जादा दुख्तरे आशाते इब्ने कैस कंदी? जी, वो आई हैं। इमाम हसन ने मुश्तबा की जियारत करने आई हैं। मानता हूँ, भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है। यानी हम भालू हैं हजरत वाली? जरबुल मसल में कोई मुनाक्षा नहीं होता सुल्तान सखावत। एक गाड़ी गंदम का ढेर और एक गाड़ी जौ का ढेर आप जैसे दरिया दिल इंसान के लिए एक बाल के बराबर है। आप इजाजत देते हैं कि हम इस बाल बराबर माल को अगले साल के जकात के गल्ले से माफ करवा लें? आप लोगों के हुकूमती वाजबात में लिख दूंगा, शरई वाजबात को पहले तो नहीं दिया जाता मर्द मोमिन। अब तक जाग रहे हैं चाचा जान? हम इन हजरात को मक्खन लगा रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत खाना सबात के लश्करियों के लिए भिजवा सकें। तुमने क्या किया मेरी जान? पिसरे साथ ने कुछ इतराफ किया? जी, एक औरत के लिबास में महल में दाखिल हुआ है। ताज्जुब है, कैसे नीच जानवर हैं। अब हमें कुछ औरतें भी दरवाजों पर खड़ी करनी होंगी ताकि वो खवातीन की तलाशी लें। सुना है इमाम की जौजा आई हुई हैं? हाँ, बानो ज्यादा आई हैं। एक सालिहा और दिल सोस खातून है। रास्ते की दुश्वारियों को सहकर यहां तक आई हैं ताकि इमाम की तीमारदारी कर सकें। कुछ हद तक मुझे सुकून हासिल हुआ है। मौला के घर वालों में से भी किसी को यहां होना चाहिए था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कब? इसी वक्त। रात के इस पैर क्या जरूरत है मुख्तार? आशाद इब्न कैस बानो जादा का बाप और उम्र साद दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों मुआविया के पावसों के अफराद में से हैं। मुमकिन है कि बानो जादा के सफेद महल आने में और उम्र साद के आने में कोई मिला जुला ताल्लुक हो। अस्तग़फ़ार करो मुख्तार, हद से ज्यादा बुरी नजर रखना जायज नहीं है। जादा इमाम की सौजाएं, उनका और उनके वालिद का रास्ता जुदा है। चाचा जान, मेरे पास भी इन साले और दिलसोज औरतों में से एक मौजूद है, दुख्तर समरा इब्ने जुंदब। बाज़ औक़ात उसकी जाहिलाना हरकतें मुझे हैरान कर देती हैं। हमें इस किस्म की औरतों की दोस्ती पर खास तौर पर मोहतात रहना होगा। रात के इस पहर में मुलाकात का क्या बहाना निकालूं? जब वो आई थीं तो काफी थकी हुई थीं। शायद इस वक्त वो सो गई हों। भेनक भी पड़ गई कि उन पर शक कर रहे हो तू। मैं बानो जादा से कोई तोहमत आमेज सवालात नहीं करूंगा। हमें इस तरह बात करनी होगी कि बानो जादा हमें अपना महरम असरार समझे और हमदर्द माने। वो दर्द दिल बताएंगी, मैं छुपे हुए राज को समझ लूंगा। कम अज कम सुबह की नमाज तक सब्र करो। बहुत खूब, कोई और चारा नहीं, मैं इंतजार करता हूं। तो मुख्तार सकफी आप हैं? जी बानो, मुझे फख्र है कि बानो ने इसने दखल दिया और बंदे की हाजिरी कबूल कर ली। मरान के सफेद महल आने पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। खुश आमदीद। खुश होना वो भी बेहयाओं और नामर्दों के दयार में। जान के बदले और कोई कीमत नहीं। जब मैंने मुश्तबा को आखिरी बार देखा था तो मैंने कहा था कि खुश आमदीद सिप्ते पैगंबर, खुश रहिए। तो मुश्तबा मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारा खैर कबूल है।
क्या तुम मेरे लिए मौत की तमन्ना कर रही हो? अजीब किनाया है, मुझे मौला अली के फुस्त और रबुल काबा की याद आ गई। जिसके आलम मलकूत पर नजर होती है वो आलम नासूत को अपनी नजर में हकीर जानता है। आसमानी फरिश्तों का हल्का कहां और दीवाने हाकिम का हल्का कहां। जनाबे फरमा रवा से सुना कि आप किसी जरूरी काम के लिए आ रहे हैं, कहिए मैं सुन रही हूँ। जबरन तौफीक मिली के पिछले हालात में शहर मदाइन का जिम्मा और इमाम की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इस हकीर के कंधों पर डाली जाए। किसने आपको मजबूर किया? मेरे चाचा जनाब फरमा रवा ने। जब इमाम को बेहोशी की हालत में महल लाया गया तो चाचा ने मुझे बुलाकर कहा कि काबिल एतमाद लोगों की नस्लों को टिड्डियां खा गई हैं। मैंने भी मजबूरन लबैक कह दिया। जो शख्स जबरन किसी मसलत पर बैठता है तो उसे परवाह नहीं होती, जो शख्स कराहियत के साथ खिदमत करता है उससे बईद नहीं है कि कमी पेशी करे। रसूल खुदा के फर्जंद की जान की हिफाजत करना उन लोगों का काम है जो दिल से खुदा से मामला कर बैठते हैं। बहुत फसीह और बलीग बातें करती हैं आप। मेरे मना करने की दलील अंदर के शैतान से खौफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में आ जाए जो बड़े शौक और जौक के साथ आते हैं ताकि खुदा के साथ मामला करें, मगर हजरत इब्लीस की दुकान पर नजर आते हैं। अमन अमान की जिम्मेदारी लेने से पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करता था बानू। जंगे से फैन के बाद मदाइन आ गया और खेती बाड़ी को अपना पेशा बना लिया। आपको मुझसे क्या काम था जनाबे मुख्तार? यकीनन आप जानती होंगी कि मुआविया ने इमाम के सर के लिए 1000 शाम दिनार और एक बेटी देने का वादा किया है। जी मैंने सुना है, बहकाने वाला वादा है। इस वादे ने नाचीज का काम इस कदर दुश्वार कर दिया है कि मुझ पर नींद और खुराक दोनों हराम हो गए हैं। मेरी पलक झपकने के बराबर गफलत भी शियों को किसी बहुत अमीर गम में मुब्तला कर सकती है। मेरी कौम और कबीले की 40 साल आबरू खत्म हो जाएगी। जैसा कि बानू मदाइन में रहने का इरादा रखती हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि इस खतरनाक वजीफे में मेरी मदद करें। अंधा और क्या चाहे, बस दो आंखें जनाब मुख्तार, मुझे क्या करना होगा? यूं समझिए कि इस महल के अशरात अर्ज भी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंग भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमा रवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें। यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है? अफसोस है कि हाँ, कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। एक काफी मोतबर नाम है, मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दांगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हो, उसका नाम उमर इब्ने साद अबी वकास है। उमर इब्ने साद अबी वकास? हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा। दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफ ज़दा कर दिया है मुख्तार। इमाम हसन के पास सिवाय औदा खिलाफत माविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप क्या करना चाहेंगी बानू? मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर ले। मुआविया कुफारे कुरैश से बदतर तो नहीं,
रसूल अल्लाह का कुफारे कुरैश से सुलह करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हसन और मुआविया का तनाजा है। मैं मुआतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी मत कीजिएगा बानो, ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के बाहर शायद इमाम ये नागवार खबरें बर्दाश्त न कर पाए। सुलह की बातें ऐसी ज़रबत की मानद हैं जो ज़रबत खंजर से ज्यादा मोहलिक हैं। एक दो दिन सब्र कीजिए ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए। उस जाहिल जमात का खाना खराब हो के उन लोगों ने मेरी आरजुओं को हसरत बना दिया और मेरे ख्वाबों के महल को वीरान कर दिया। उसे छोड़ दें, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। माविया उससे ज्यादा रहीम है कि रसूल खुदा के जख्मी नवा से पतलवार चलाए। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा जंग के नकारे उनके कानों में ना बजाएं। ऐसे तेज घोड़ों पर बैठिए कि जैसे हवा पर सवार हो। कम से कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा दौड़िए। हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। तुम शूश और तुम आवाज चाहो, और आप दोनों जल्द से जल्द इराक के अजम तक पहुंचिए। जवाब के बगैर मत आइएगा। याद रहे कि किसी फर्द बशर को आप लोगों के मकसद की इतला ना हो, यहां तक कि आप लोगों के अहलो अयाल को भी। खुदा आपका मुहाफिज हो। और पहलवान कियान खाने के काफिले के साथ खुद तुम भी जाओ और लश्करे साबात तक पहुंचकर खाना तकसीम करने में मुकम्मल नजारत रखना, कहीं खुदा नखास्ता किसी का हक साए ना हो जाए। पुर मसरत खबरों से गाफिल मत होना कि ये फौजियों की रूह जिंदा कर देती हैं। कहां गुम हो कियान? अबू इसहाक बहुत गुमसुम है। काश आप इस तरद्दुद और शकूक के मैदान में मेरा और जारिया का मौजू ना निकालते। आज का अबू इसहाक कल से बहुत मुख्तलिफ है। जाओ कियान, अबू इसहाक की फिक्र मत करो। आज का अबू इसहाक कल के अबू इसहाक से यकीनन एक दिन बड़ा हो गया है और मजीद पुख्ता हो गया है। मैं चलता हूं। बानो ज्यादा को देखा मुख्तार? क्या बातें हुई चचा की जान, बताओ, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। मुख्तार, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी खेती बाड़ी और जरात पर तकिया करो। तुम लोग शाम के उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते जो टिड्डियों की तरह है। आप लोग अपने आप को बचाइए, मैं अपने शौहर को बचा लूंगी। चाचा जान, हम बाजी हार चुके हैं। क्या मतलब बाजी हार चुके हैं नूरे नजर? मतलब यह कि बानो ज्यादा भी उमजद साथ की तरह बातें कर रही हैं। मतलब यह कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इमाम को सुलह पर मजबूर करें। यानी यह कि इमाम खुद अपने घर में भी तन्हा है और कोई साथी नहीं। काम हाथ से निकल चुका है चाचा जान। अब चाहते हैं उस लश्कर से लड़ने के लिए जाएं जो सहरा के लिए जितनी तादाद में है, और दौलत के हवाले से कई ढेर सोना उनके पास है और शैतान के लश्कर के जैसी चालबाजियां। तुम पागल हो गए हो मुख्तार, हवा और हवस की जद में आ गए हो। बानो ज्यादा जादू करती या उमर साद? चचा की जान, वो लोग जो बद्र ओहद खंदक में रसूल खुदा के सामने लश्कर आराई कर रहे थे, उनकी तादाद हीलत और दौलत शामियों से किसी तरह भी कम न थी। बदर वालों के मुकाबले में 3-1 के हिसाब से थे। हाँ, 3-1 के हिसाब से थे, मगर थे हैं नहीं। दुनिया से दिल उखाड़ चुके थे।
और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है और आप। शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार। चाचा जान, हम खामखा जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पिसारे पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं, वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटी से सुन रहा हूं जिसका बाप उसे शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और माविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस, अफसोस, अफसोस। बखुदा कसम, ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो, ये शहादत की मेहंदी है। अफसोस मुख्तार। तुमने इन बातों से मेरा जिगर जला दिया है। मुझे खुशफहमी थी कि मेरा शेर भतीजा एक खून की प्यासी तलवार के साथ और दिल हिला देने वाली आवाज और खुलूस ईमान से भरपूर दिल रखते हुए मुझे मेरे इमाम के सामने सुरखरू कर देगा, सुरखरू कर देगा। चाचा जान, खुदा की कसम आप कह दीजिए मर जाओ तो मैं कफन पहनकर कब्र में सो जाऊंगा, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये सफेद महल मेरे चाचा का मदफन बन जाए बगैर उसके कि उनकी लड़ाई का कोई फायदा हासिल ना हुआ हो। यकीन कर लीजिए कि हमारी इस मुकालमत का कोई भी फायदा जंग तक नहीं जाएगा। सुलह यकीनी है। मुआविया भी मौला को नहीं मारेगा। वो चाहे अपनी हुकूमत की बका के लिए ही क्यों ना हो, हरगिज अपने नाम को बदनाम नहीं करेगा। कैसा अजीब कशफ किया है तुमने। जाओ मुख्तार, जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारी इस तलवार और तदबीरों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने चाह तो इस बारी गिरा को मैं अकेला अर्श तक ले जाऊंगा। तमाम तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने उम्मत का मसला हल कर दिया। मुसलमान जंग से आजाद हो गए। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने आपस में सुलह कर ली। मुआविया खलीफा हो गया और हसन ने बैत कर ली। मदाइन के लोगों सुनो, ऐ मदाइन के लोगों होशियार, जंग खत्म हुई। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने हंगामे के बाद आपस में सुलह कर ली। हसन ने घुटने टेक दिए और मुआविया खलीफा हो गया।
तुम कब तक दांत कसे रहो? खलीफा ने बख्श दिया, तुम नहीं बख्शोगे? खलीफा की बख्शिश ने हम सबको असीर कर दिया और तुम सबको दिलेर बना दिया। खतरा हम सबको था पागल रंगने वाले। खुदा का शुक्र है मदाइन रोमी तोपों और जंगजू बिच्छुओं से तबाह नहीं किया गया। हसन ने सुलह करके खुदा को खुश किया है नादान। इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था लंबे कानों वाले। आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें अहमरा की हैं। ये बात अली के मुरीदों की है। मैं अबू नसीर हूं गंजे, उस धागे का ताजिर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय अहमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज में अरबों का कत्ल वगारत कर सकें। बहराम, तुम नादानी से इस जमात की क़यादत कर रहे हो। मैं और तुम हमशहरी और हमसाया हैं। तुम जितना रंग करोगे मैं खरीदार हूँ। अपनी पेशानी के बल तो साफ करो मर्द, हैफ नहीं है कि हम दोनों दुश्मनी करें। जरबी जी मेरे आका, आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार, मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलानामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है, गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो, आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार, हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा हैं, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क को फजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को नियाम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है।
امام حسن ابن علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے مابین صلح منظور ہوئی، جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ پانچ بنیادی اصولوں پر مشتمل تھی، اور اس کی اہم ترین اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد اس کی حکومت کو کوئی وارث نہیں ہوگا۔ معاویہ نے اس معتبر سند کے تحت وعدہ کیا کہ اس کے بعد اپنی حکومت کے لیے کوئی جانشین معین نہیں کرے گا۔ کشتیاں ڈوب گئی ہیں میری جان؟ مختار سے فکر مند ہوں خالہ۔ کیوں؟ مختار تو بالکل سر تسلیم خم کر چکا ہے، ابھی تک عمر سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے۔ اگر ہاتھ نہ ملایا ہوتا تو اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوتا۔ وہ مجبور ہوا ہے خالہ جان، میری اور ناریہ کی چالاکی اس کی رضامندی کا سبب بنی۔ در حقیقت وہ عمر سے ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تن پر سر نہ ہو۔ نکاح کا خطبہ ہو جانے دو، عمر اور مختار ایک ہو جائیں گے، کینے دلوں سے ختم ہو جائیں گے۔ منہ لٹکانے کے بجائے آنکھوں میں خمار پیدا کرو تاکہ عمر کا دل لبھا سکو۔ میں ڈرتی ہوں کہ مختار کا غرور زخمی نہ ہو جائے خالہ۔ اگر مختار کے غرور کو خراش بھی آئی تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ مختار اس وقت خطرناک ہے جب اس کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ وہ مختار جس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے وہ چونٹی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ کاش خدا آپ کی سن لے خالہ۔